टैक्सी रेप कांड का आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, उसने पहचान परेड से इनकार कर दिया है। उधर इस पूरे मामले में ट्रैवल कंपनी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अभी तक की पूछताछ से पुलिस संतुष्ट नहीं है और उबर कंपनी के मालिक को विदेश से बुला सकती है। उधर रेप के और मामले में आरोपी कैब ड्राइवर के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। ये तथ्य भी कम हैरतअंगेज नहीं है। यह है दिल्ली टैक्सी रेप कांड का आरोपी शिव कुमार यादव। 30,000 कोर्ट में पेशी के दौरान पहली बार इसका चेहरा दुनिया के सामने आया। एक ऐसा दरिंदा जो अपराध के बाद और दरिंदगी की धमकी दे रहा था, जिसने अपने वहशीपन में पीड़ित लड़की को बुरी तरह जख्मी करके सड़क पर छोड़ दिया। शायद उसे भरोसा था कि 16 दिसंबर के जिक्र से वो लड़की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और अब पुलिस की गिरफ्त में है शिव कुमार यादव। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी, पहचान परेड में शामिल होने से इनकार। शिव कुमार यादव घटना के तुरंत बाद मथुरा के लिए निकल गया था। दिल्ली पुलिस की 12 टीमें तलाशी अभियान में जुटी थी और उस पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हैरत की बात यह है कि आरोपी के पास पुलिस की तरफ से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र सरिता विहार के अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन से जारी किया गया है, जबकि आरोपी पर पहले भी रेप के आरोप लग चुके हैं। सबसे अहम सवाल ये कि आखिर अपनी वेबसाइट पर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली उबर कंपनी ने ऐसे ड्राइवर को कंपनी के साथ क्यों जोड़ा जिस पर पहले से रेप का इल्जाम लग चुका है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी का कहना है कि इस मामले में कैब कंपनी की भूमिका की भी जाँच की जाएगी। इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और जल्दी हम 144 का ऑर्डर इशू करेंगे, जिससे जो भी कोई गैप है वो गैप हम फॉर द टाइम बीइंग काट दें, उसको ब्रिज कर दें। फिलहाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उबर कंपनी को बैन कर दिया है। साथ ही एक स्टेटमेंट जारी किया है कि उसने जांच पड़ताल के बाद इस कैब को लाइसेंस दिया था। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी को? सर, दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, आई कैन नॉट कमेंट। आई एम सिटिंग इन अ पुलिस स्टेशन, आई कैन नॉट कमेंट अबाउट दिस प्लीज। सवाल ये भी कि रेप का आरोपी जो जमानत पर रिहा चल रहा था, उसकी हरकतों पर पुलिस की नजर क्यों नहीं थी? और अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैवल कंपनी दोनों ही अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आरोपी शिव कुमार यादव द्वारा शिनाख्त परेड के बारे में मना कर दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी 3 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की। पुलिस का ये कहना था, एक तो उसे वो फोन बरामद करना है जिसके जरिए आरोपी कंपनी के संपर्क में रहता था, दूसरे वो रूट भी समझना है जिसके जरिए वो वसंत विहार से जखीरा तक पहुंचा था, इसके अलावा वो फरार होने के बाद कहां-कहां छुपा था ये भी पता करना है।